एडीएम फाइनेंस उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने 2 मार्च को डीडीयू प्रांगण से रवाना होने वाले पोलिंग पार्टी स्थल का निरीक्षण किया, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि 3 मार्च को जनपद में 9 विधानसभा में मतदान होनी है और 2 मार्च को डीडीयू प्रांगण से पोलिंग पार्टी रवाना होगी और साथ ही मतदान के बाद पोलिंग पार्टियों की वापसी भी यही होगी, जहां पर ईवीएम मशीन को रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि खजनी विधानसभा की पोलिंग पार्टी बैडमिंटन हॉल से रवाना होगी, शहर विधानसभा की पोलिंग पार्टी वाणिज्य कर विभाग से तथा बचे 7 विधानसभाओं की पोलिंग पार्टियां दीक्षा भवन तथा आर्ट फैकल्टी से रवाना होगी। उन्होंने बताया कि पोलिंग पार्टियों को रवाना करने के लिए पोलिंग पार्टियों के मोटरसाइकिल कार पार्किंग की व्यवस्था के लिए यह निरीक्षण किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उप जिला निर्वाचन अधिकारी एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, उससे ये होगा कि आदमी ऐसी जगह हम रखना चाहते हैं जिससे वो आदमी रिजर्व वाला भागे ना, जिसे दूर देख लेता है वहीं कट लेता है, तो आरक्षित तो अंदर जाएगा, वो यहाँ आया और यही खो गया, नहीं नहीं वहाँ से चला और यही खो गया, ये तो अंदर अनाउंसमेंट होता है उसका, बताइए क्या नाम है, वो आइडेंटिफाइड होकर ये आपके पास पर्याप्त जगह है, यहाँ आप डाल दें, जब हम टेंट भी लगाएंगे तो मौसम ठीक है, हाँ ये यहाँ पे लगा दें, यहाँ पेड़ के नीचे जो है उस पार दें, हाँ उस पार नहीं उस पार में यहाँ कंडीशन हो जाएगा, बिल्कुल सर। अच्छा भीड़ लगा लेते होंगे लोग, भीड़ लगाते हैं, भीड़ का मतलब 5×2000 लोग हो जाएंगे ना, 2000 लोग हो जाएंगे, और अगर हम इस अलग लगा जाएगी और आप बदल जाएगी तो आप यहाँ बैठाएंगे, पिछली बार इसके पहले लेते बैठाया था, इधर बैठाया था, भीड़ जाती तो गाड़ी निकल रही है, हाँ आरक्षित की जाकर अंदर कर लें, लेकिन वहाँ अंदर बहुत भीड़ हो जाएगी, ये स्थल तो ठीक है, हाँ ये स्थल ठीक है और आरक्षित को कर दे, हाँ ये कर दे उनके लिए, आपका जो पोलिंग पार्टी आ रही है लंबा है, और आरक्षित वाले को ये जो बगल में नहीं था जो है जो पोर्च है, आरक्षित हॉल में बैठाना तो सबसे डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, कोई बात नहीं, आप आइए गाड़ी से आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, नहीं नहीं आप आराम से, ये राजेश जी आप चलना चाहें चलो, देखिए वहाँ आदमी बैठेगा नहीं, आप इधर देख रहे हैं, इस लंबाई में इधर और इस लंबाई में इधर केवल यहाँ नहीं केवल इधर करीब 20 फीट और उधर कितना चला जाए, ऐसे 20 फीट उधर कितना चला जाए, 20 फीट ये जो पेड़ वेड़ हैं सब दिखाई पड़ने लगते हैं उस समय, दिखाई पड़ने और आरक्षित 3-4 घंटे 5 घंटे ही बैठने की बात है, रेगुलेशन के लिए लेकिन अगर एक वो तो हम फिर कहेंगे कि ड्यूटी लगाएं, ट्रैफिक वाले फ्री हैं उनको कहेंगे कि लगाएं, गृह विज्ञान का मेन गेट खोल दें और अंदर व्यवस्थित कर दें मोटरसाइकिल, जैसे लोग अंदर तक ला के खड़े कर दें, केवल 2 तारीख के लिए जगह बहुत है, और जैसे ये लोग साफ कर रहे हैं अगर अंदर ये साफ कर देंगे तो अभी वहाँ नहीं चल रहे हैं सर, आपका
नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह, डिप्टी डीओ गोरखपुर हूँ। मैं इस समय यूनिवर्सिटी में, आप देख रहे हैं, यहाँ पर उपलब्ध हूँ। आगामी 3 मार्च को हमारे जनपद में पोलिंग होनी है, 9 विधानसभाएं हैं। 2 मार्च को पोलिंग पार्टियां यहां से रवाना होंगी, तो यहां हमारे पूरी 9 विधानसभाओं की पोलिंग पार्टी यहीं से रवाना होगी और वापसी में यहीं उनको अपनी मतदान पेटी का ईवीएम यहां पर जमा करनी होगी। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारा जो खजनी विधानसभा के लिए है, वो बैडमिंटन हॉल जहाँ पर है वहाँ से पोलिंग पार्टी रवाना होगी। हमारा जो वाणिज्य भवन है वहाँ से 322 गोरखपुर शहर की पोलिंग पार्टी रवाना होगी। दीक्षा भवन और आर्ट फैकल्टी से शेष 7 पोलिंग पार्टियाँ रवाना होंगी और वापसी में इनको यहीं पे आना होगा। इस बार हम लोगों ने कहाँ पर मोटरसाइकिल पार्क की जाएगी, कहाँ पर कार पार्क की जाएगी, ये सब बाकायदे साइनेज लगा के हम लोग बताएंगे। लोगों से यही अनुरोध रहेगा कि इसका वो पालन करें।